हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है फिर जैसे क्वेश्चन सीरीज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर सबसे है जो टॉपिक है, शुरू करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। इट मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स एच पी, इट मीन्स ए सिक्वेंस, लेट ए सिक्वेंस ए वन ए टू ए एन, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन ऑफ नॉन जीरो नंबर, ऑफ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री एन ऑफ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ इज कॉल्ड एच पी फॉर हार्मोनिक सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक सीक्वेंस। इफ वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए थ्री अप टू सोन वन अपॉन ए एन आर इन ए थ्री, क्या है ये? अगर कोई इस तरह की सीरीज है, ए वन ए टू आर कार्ड द हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। अगर इसका इनवर्स वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू वन अपॉन आर थ्री आर इन क्या है ए पी में, यानी कि हार्मोनिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द रिवर्स टू द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट वन अपॉन ए वन अपॉन ए प्लस डी वन अपॉन ए प्लस टू डी वन प्लस ए प्लस थ्री डी अब इफ इन एच पी देन, अगर ये एच पी में है देन ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी विल बी इज इन ए पी। अगर ये एच पी में है तो ये क्या होंगे, ए पी में होंगे। इट मीन्स वी हैव, सो वी हैव ए बी सी आर इन ए पी देन एच पी, ए बी सी आर इन एच पी देन वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी कैम है एच पी में देन वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन इसका रिवर्स कैम होंगे ए पी में होंगे। इट मीन्स वी हैव वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी। इट मीन्स इधर आगे क्या जाएगा, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी वन अपॉन बी टू अपॉन बी ए सी क्या ए प्लस सी, तो टू अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, इसका रिवर्स कर दिया। बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी और बी सी इज इक्वल टू एक ये फॉर्मूला है। इफ वी हैव इफ ए बी सी आर इन एच बी देन बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, इफ वी हैव ए बी सी आर इन एच पी देन वी हैव बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ए पी के लिए क्या था, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये ए पी के लिए पढ़ा था मैंने। इफ ए बी सी आर इन ए पी इफ ए बी सी आर देन एंड जी पी के लिए इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी
ये जीपी के लिए पढ़ लिया था, और एसपी के लिए नया क्या आ गया, बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। यानी कि ये आ गया, ये क्या आ गया था, अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेटिक मीन, ये हार्मोनिक मीन, ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखो एक और चीज, द एनएथ टर्म ऑफ एनएपी, एनएथ टर्म, द एनएथ टर्म ऑफ एचपी, ऑफ एचपी इज रेसिप्रोकल टू द एनएथ टर्म ऑफ एचपी, रेसिप्रोकल of nth term of the nth term of HP is reciprocal of corresponding term of NAP. Get that nth term of HP is reciprocal of the nth term of corresponding the nth term nth term corresponding term of an AP. Thus, if A1, A2, A3 up to AN are in HP, if A1, A2, A3, AN up to R in HP mein ho, then and common difference and common difference of AP is D. The common, if A1, A2 are in HP, the common difference of AP is D, then the nth term of HP, then nth term of NAP is given by क्या होगी, 1 upon A1 प्लस 1 upon A1, ए है तो 1 upon A1 प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये होगा। यानी कि अगर A1, A2 आर एच पी मो और इनके कॉमन डिफरेंस D जो क्या है AP मो, देन nth टर्म इज इक्वल टू क्या होगी, 1 upon A1 प्लस 1 upon A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, नई डेफिनेशन है। इफ If 27 of HP is 1, if 20th term of IHP of AHP is 1, if 20th term of HP is 1,
And the 30th term is, and 30th term is minus 1. If 20 term SP is 1 and 30 term is minus 1 upon 17, then the largest term. If 20 term of SP is 1, 30 term of is minus 17, then the largest term, then the largest term. Let SP is small SP is A 1 upon A plus B 1 upon A plus 2D by 1 upon A plus 3D 1 upon A plus 4D. ये कोई HP है. इस HP में क्या दे रखा है, 20th term, A20 is equal to A20 is equal to 1 upon 1. And ये क्या देगा, A13 is equal to minus 1 upon 17. A20 की वैल्यू क्या देगी इसमें, 1 upon A, माना फर्स्ट टर्म तो A है, प्लस n minus 20 minus 1 into d is equal to 1. In 1 plus a plus 19d is equal to 1. A plus 19d is equal to 1. Similarly, and a plus 13 minus 1 into d is equal to minus 1 upon 17. So 1 upon a plus 29d is equal to minus 1 upon 70. Yeah. Here it means A plus 19D is equal to 1. First equation of A. Here A plus 29D is equal to minus 17. It is the second. Okay. We have solved by the equation first and second, we have A is equal to and B is equal to. A, ये first है, A plus 19D is equal to 1. Second है, A plus 29 minus D is equal to 17. A और D की value solve कर लेंगे. बताओ क्या गया A और D की value? Solve करो. क्या गया A और D की value? A और D की value? सोल्व कर लेंगे. बोल बोलो भाई. जो तो ठीक बोला, क्या आया, a इक्वल टू 176 अपॉन 5, b इक्वल टू माइनस 1. पूछा है द लार्जेस्ट टर्म, लेट द लार्जेस्ट टर्म इज n, नहीं n टर्म पूछा, दैट द लार्जेस्ट टर्म इज n. क्या पूछा है, द लार्जेस्ट टर्म इज n, देन द लार्जेस्ट टर्म इज n, लेट द लार्जेस्ट टर्म इज n, let the largest term is nth term. जो इसकी largest term है वो nth term है, then a n is equal to 1 upon a plus n minus 1 into d. a की value कितनी है, 1 upon 76 upon 5 plus n minus 1 into d. इन्हें सोल्व कर लेंगे. सोल्व करके क्या आ जाएगा बताओ, नाइन 175 प्लस 9 85, 9n माइनस क्या है, 9n 9n
185 माइनस एन अपॉन 5 क्या आएगा, इज इक्वल टू 185 माइनस एन ऊपर 5, तो क्या 5 अपॉन 185 माइनस एन, तो लार्जेस्ट टर्म इज 5 अपॉन 18 माइनस 5 एन इज इक्वल टू एन। इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू वी हैव देयर इज द वैल्यू इज 1/18 5 माइनस एन, 1 इज इक्वल टू 5/18 5 माइनस 10, 18 5 माइनस 10 20, ए एन इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट कब होगा, ये लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, ये लार्जेस्ट कब होगा 5 अपॉन 18 5 माइनस 5 अपॉन एन, ये लार्जेस्ट कब होगा वैन 185 माइनस विल बी टू द लीस्ट, लेकिन 5 अपॉन विल बी लार्जेस्ट, विल बी टू द लार्जेस्ट इफ 185 माइनस एन क्या हो गया लीस्ट हो गया, कम से कम हो 185 माइनस एन क्या हो सबसे कम होगा लीस्ट होगा, जब ये मैक्सिमम होगा लार्जेस्ट होगा 5 अपॉन 18 5 माइनस 5। ये 185 माइनस एन कब लार्जेस्ट कब लीस्ट वैल्यू कब रख सकता है, 185 माइनस वैल्यू कब रखता है व्हेन एन इक्वल टू 20, द लीस्ट वैल्यू इज द व्हेन व्हेन एन इक्वल टू 20। वन अपॉन 18 5 माइनस एन लीस्ट वैल्यू कब रखता है जब एन इज इक्वल टू क्या रहता है एन इज इक्वल टू 20, एन इज इक्वल टू 20 इज लीस्ट वैल्यू, इज लीस्ट वैल्यू पे ये क्या रखता है एन इज इक्वल टू 20 पे ये लीस्ट वैल्यू रख सकता है, ए रहा डी रहा, तो एन इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू किस पे लीस्ट वैल्यू पे क्या रखता है ये सबसे कम वैल्यू रख सकता है एन इज इक्वल टू 20 का, hence n is equal to 20 is the least value or 20 value पर max value कितनी है ये which is value is 1 which is value is और which is value 1 is इसकी value कितनी दे रखी है 20 की value 1 दे रखी है, आई बात में भाई 20 टर्म ऑफ एच पी दे 30 टर्म दे रखी बिलोंग करके ए और डी की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर लार्जेस्ट टर्म वाले एन एच टर्म है ये जो है लीस्ट वैल्यू कब होगी ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब ये लीस्ट वैल्यू हो, लीस्ट वैल्यू कब होगी ये एन इज इक्वल टू 20 होगी, एन इज इक्वल टू 20 ए 20 वैल्यू कितनी रखी 1 हैंस द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज बी 1। देखो सवाल एक और है, इफ ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू वाई ए माइनस जेड इज इक्वल टू आर जेड एंड पी क्यू आर इन ए पी एंड ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन पी क्यू वाई ए माइनस एंड पी क्यू आर इन ए पी एंड पी क्यू आर इन ए पी
then prove that x, y, z in SP. Then prove that x, y, z in HQ. Then prove that x, y, z क्या होंगे HP में होंगे. ये सवाल है, ये क्या है मैं एंड इतने इन एच पी प्रूव दैट एक्स वाई जेड इन इन एच पी. देख अब क्या गिवन है, ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, ए माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू ए माइनस जेड अपॉन आर जेड इज इक्वल टू, मान लिया ये लैम्डा है. This means lambda, it means a minus x upon p x is equal to lambda. P is equal to, यहां से आ जाएगा, it implies that p is equal to a minus x upon lambda x. तो p आ गया. Similarly, Q is equal to A minus Y upon lambda Y. R is equal to A minus Z upon lambda Z. A minus lambda upon Z. ये रखा है पी क्यू आर इन एपी है बिकॉज पी क्यू आर इन एपी गिवन है, पी क्यू आर इन एपी है. तो पी की वैल्यू क्या रख दूंगा, यहां से ये लिख दी पी क्यू की, इनकी सभी वैल्यू क्या आ गया, हेंस ए माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक्स कोमो क्यू की वैल्यू ए माइनस वाई अपॉन लैम्डा वाई इसकी वैल्यू ए माइनस जेड अपॉन लैम्डा जेड आर इन एपी. अगर ये है तो लैम्डा ये भी एपी में होंगे. इससे क्या कर दूंगा, लैम्डा से डिवाइड कर दूंगा, क्या जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, ए माइनस वाई अपॉन वाई, ए माइनस जेड अपॉन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन जेड आर इन एपी. ये भी एपी होंगे एक्स से डिवाइड करके. अब इसको क्या कर दूंगा मैं, अलग अलग कर दूंगा ए एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा ये ए अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, ए वाई माइनस वाई अपॉन वाई, ए जेड अपॉन माइनस आर इन एपी. आर इन एपी तो क्या ए अपॉन एक्स माइनस वन, ए अपॉन वन माइनस वन, ए अपॉन जेड माइनस वन आर इन ए पी. आर इन ए पी में तो दोनों एक एक जोड़ देंगे, इसमें क्या जाएगा ये ए अपॉन एक्स, ए अपॉन वाई, ए अपॉन जेड आर इन ए पी. वन ए से हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई कोमा वन अपॉन जेड आर इन ए पी, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई आर इन ए पी. देन इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जेड आर इन एच, वन एक्स वाई जेड वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स जेड आर इन ए पी, देन एक्स वाई जेड विल बी इन एच पी. आगे बात नहीं भाई, ये हम इसका निकाल सकते हैं वैल्यू. आगे बढ़े,
Yanlış deneyi. देखो देखिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। इफ एमथ सम ऑफ एपी ऑफ एचपी इज एन एंड एनएफ टेन इज एम if m term of sp is n and the nth term of m and nth term of is m, prove that find the value of rth term की वैल्यू निकालें। इफ mth term of HP is n and nth term of is m, find the value of rth term। rth term की वैल्यू निकालनी है। जैसे लेट एच पी ये कोई एच पी है, लेट एच पी इज वन अपॉन ए प्लस डी ये कोई ए पी है, ये कोई क्या है, ये कोई ए पी है। अब ए एम इज इक्वल टू एम एच टर्म इज इक्वल टू एन, एम एच टर्म इज इक्वल टू एन, इट मीन्स वन अपॉन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन। इट मीन्स ए प्लस एम माइनस वन, इसका उल्टा कर दे रिवर्स, डी इज इक्वल टू एन, वन अपॉन वन फर्स्ट। सिमिलरली एन एच टर्म इज इक्वल टू एम, वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एम। ये दूसरी आ गई, वो क्या आ गई, ये दूसरी आ गई। इन्हें दोनों को क्या कर लूंगा मैं, सोल्व कर लूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर इसकी वैल्यू देखो ए और डी की वैल्यू क्या आ गई ने, सॉल्व करो इन्हें। फर्स्ट है इक्वेशन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई एन, फिर है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू बाई वन बाई एन। सॉल्व करो उसको क्या आ गया देखो, हाँ तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू वन अपॉन एम एन एंड डी इज इक्वल टू, हियर डी इज इक्वल टू वन अपॉन एम एन। ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू वन अपॉन एम एन, डी इज इक्वल टू वन अपॉन एम एन। अब इसकी क्या वैल्यू आ गई, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एफ टर्म, इसकी निकालनी है ए आर, ए आर की वैल्यू निकाल दें, ए आर की वैल्यू ए वन अपॉन ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, क्या आगे वन अपॉन आर प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एम एन प्लस आर माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन वन प्लस आर माइनस वन अपॉन एम एन, वन से बन जाएगा
एंड आर एथ की ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई, एम एन अपॉन आर आ गई। अरे आर एथ की ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ आर एथ ट्रेन विल बी एम अपॉन एम एन अपॉन आर। इसी इजी क्वेश्चन है बहुत, आगे बढ़ते हैं। अब है हार्मोनिक नी, नया है हार्मोनिक नी। ये क्या है हार्मोनिक मीन, क्या है यो? हार्मोनिक मीन क्या आ गया, लेट ए एंड एच सी आर इन एच सी, देन वन अपॉन ए वन अपॉन एच वन अपॉन सी आर इन ए पी आर इन ए पी, देन वी हैव वही है एच इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। H is equal to two. The harmonic mean AC is between A. The harmonic mean of A and C is called H is equal to two AC upon A plus C. अब मान लिया A और B ये दो कोई हार नंबर हैं, इनके बीच N जो है हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दीजिए। लेट देयर आर टू नंबर ए एंड बी बिटवीन देम एन हार्मोनिक मीन आर इंसर्टेड जेट एच वन एच टू एच थ्री अप टू एच एन, एन हार्मोनिक मीन आर जो है इंसर्टेड कर दीजिए, देन ए क्या देगा ए एच वन एच टू एच एन आर इन एच पी आर इन एच पी, देन रिवर्स इज वन अपॉन ए वन वन अपॉन एच वन वन अपॉन एच टू वन अपॉन एच थ्री वन अपॉन एच एन कोमा वन अपॉन बी आर इन ए पी। ये भी जो है ए पी में होंगे, ये भी क्या आएंगे, ये भी ए पी में होंगे। Here between it is the n plus 2, the b will be to the one b is b will be to the n plus 2 because क्योंकि here are n term n plus 1 and n plus 2 दो पहले से ही n already exist कर दिए insert कर दिए तो n plus 2, it means the b will be to the nth plus 2 plus term, b की value क्या होगी n plus 2 terms की value होगी, so 1 upon b is equal to एन प्लस टू टर्म्स, वन अपॉन बी इक्वल टू एन प्लस टू टर्म्स की वैल्यू होगी, वन अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस ए की जगह क्या वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, एन प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू डी, इट मीन्स वन अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी,
वन अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, एंड डी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एन प्लस वन ए बी। डी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी अपॉन एन प्लस वन ए बी। इट मीन्स हार्मोनिक मीन्स एच वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी, डी इज दर डी इज द कॉमन डिफरेंस, एच टू इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस टू डी, वेयर डी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड सिमिलरली एच एन इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस एन बी, वेयर डी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एन प्लस वन ए बी, वेयर डी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एन प्लस वन डी। डी की वैल्यू ए माइनस बी अपॉन एन माइनस वन इंटू ए बी रख देंगे तो इसके हार्मोनिक मीन बिछ के ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, देखो अब क्या आगे, आगे क्या है भाई, इफ नाइन अरिथमेटिक मीन आर इफ नाइन नाइन अरिथमेटिक मीन इफ नाइन अरिथमेटिक मीन If nine arithmetic means and nine harmonic means and nine harmonic means are inserted, if nine arithmetic means and nine harmonic means are inserted between two and three alternatively. Between two and three alternatively, between two and three alternatively, then prove that a plus six h is equal to five, then prove that a plus six h is equal to a plus एस इक्वल टू फाइव वेयर ए इज द अर्थमेटिक मीन, वेयर ए इज क्या है अर्थमेटिक मीन एंड जी एंड एच इज हार्मोनिक मीन। ये आ गया भैया, क्या है ये देखो,
देखो भाई, अभी लेट टू और थ्री के बीच ये नाइन जो है हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिए, टू बिटवीन टू एंड थ्री देयर आर नाइन हार्मोनिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू एंड थ्री देयर आर इन एच पी दिस एच पी एंड वन अपॉन एच वन अपॉन Hence, 1 upon 2, 1 upon H1, 1 upon H2, 1 upon H3, 1 upon H9, is to 1 by 3, is in AP. अगर ये क्या है, ये AP होंगे, क्या होंगे ये AP होंगे. तो अच्छा, अब इनका डी निकाल लेता हूं. डी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी मैंने, डी का फॉर्मूला ये पढ़ा, डी इक्वल टू क्या पढ़ा था, डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन ए बी. ये पढ़ा था डी इक्वल टू एन माइनस ए माइनस बी. एच पी का तो डी इक्वल टू क्या आएगा, टू माइनस थ्री अपॉन एन प्लस वन नाइन प्लस वन प्लस टू इंटू थ्री, टू माइनस थ्री माइनस के वन अपॉन टेन इंटू टू इंटू थ्री, वन अपॉन कितना आ गया माइनस के सिक्सटी, माइनस के वन अपॉन सिक्सटी. एच वन इक्वल टू ए प्लस डी वन, ए प्लस एच वन इक्वल टू ए प्लस डी. ए ए मीन्स वन बाई टू माइनस सिक्सटी इक्वल टू सिक्सटी माइनस थर्टी माइनस ये आएगा. यहां से एस वन एस टू निकाल लेंगे. मान लीजिए आई भी है, मान लीजिए वाई आई है, तो यहाँ क्या जाएगा आई डी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आई आ जाएगा. एच आई इक्वल टू यहाँ आ जाएगा. ठीक, अब इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा सिक्स एच आई इक्वल टू थ्री माइनस आई अपॉन टेन. सिक्स एच आई, सिक्स एच आई सिक्स अपॉन एच आई इक्वल टू थ्री माइनस टेन अपॉन आई. सिमिलरली अगर ए वन ए टू के बीच अगर ये जो है टू और थ्री के बीच कितने करें, एन वर्स सप्लाई करें, कितने करें टू और थ्री के बीच, ये ए वन ए टू यहां करके ये क्या ए वन ए टू ए थ्री अब टू ए एन अब टू बी अब टू वन बाई थ्री, इसके बीच एन वो करें, अगर ए एन एन वो करते हैं एथमेटिक मीन वो करते हैं इंसर्ट करते हैं, देन डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, देन डी इक्वल टू बी माइनस ए वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है डी इक्वल टू माइ बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू वन बाई सिक्स अपॉन एन प्लस वन, बी इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन.
और ए आई इक्वल टू क्या जाएगा इसमें, कोई भी जनरल टर्म्स, ए आई इक्वल टू ए प्लस आई डी, ए आई इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू भैया कितनी है मेरे भाई, टू, आई आई डी, डी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन सिक्स अपॉन एन प्लस वन, यानी वन अपॉन ए आई इक्वल टू टू प्लस आई अपॉन सिक्स अपॉन एन प्लस वन। नाइन प्लस वन टेन आ जाएगा भाई, कितना है, टेन ए आई इक्वल टू टू प्लस आई प्लस सिक्सटी, ए इक्वल टू टू प्लस आई प्लस सिक्सटी। थ्री माइनस टू अपॉन एन प्लस वन, ए आई इक्वल टू टू प्लस ए आई इक्वल टू टू प्लस आई अपॉन टेन, ए आई इक्वल टू टू प्लस आई अपॉन टेन, ए आई क्या मिले, ए आई प्लस सिक्स एच क्या है, ए आई कौन प्लस सिक्स एच प्लस की क्या है, सिक्स एच, ये सिक्स एच नहीं तो कर लो सिक्स अपॉन एच, सिक्स अपॉन एच, ए आई की वैल्यू कितनी रखी है, थ्री आई पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई, कितनी आ गई आ गई की, फाइव आ गई। देखो क्या है ये, इफ नाइन अर्थमेटिक मीन, इसके किसी इंसर्ट के नाइन अर्थमेटिक मीन भी करे और नाइन ज्योमेट्रिक मीन भी करे, लेट टू वन अगर ये मार अर्थमेटिक मीन है तो ये होगा एक्स एक्स, डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसी तरह से, इसी तरह से ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन का क्या आता है, वी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, इस यहाँ से ए आई के जनरल टर्म निकाल ली, यहाँ क्या निकाल ली, एच आई के जनरल टर्म निकाल ली, सिक्स अपॉन एच है तो इसे सिक्स अपॉन एच फॉर्म में निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालनी मुझे, यहाँ से ए आई और एच की वैल्यू रख दूंगा, फिर इक्वल टू दोनों को प्लस कर दूंगा, दैट इज विल बी टू द फाइव, इट इज आंसर टू द फाइव। नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन है, अब नया है नेक्स्ट, लेट ए बी, लेट ए एंड बी आर, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर इफ ए वन, ए वन ए टू बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
And A G1, G2 up to V are in geometric progression. A R H Okay, wait. If R in HP progression, then show that G1, G2 upon H1, H2 equal to A1 plus H2, A1 plus A2 upon H1 plus H2 equal to 2A plus B. 2a plus b, a plus 2b upon 9ab. Let अगर दो ए बी तो है रियल एक ये तो है एपी में है, ये क्या पे है जीपी में है, ये क्या में है ये एचपी में है. Then the proof that g1 upon g2 h1 h2 equal to a1 plus a2 h1 plus h2 2a plus b ए प्लस टू बी 9ab. इसे प्रूव करना है कि ये 9ab के इक्वल होगा. किस तरह होगा 9ab के इक्वल, देखो भाई. अगर ये एपी में है तो सम ऑफ द डिफरेंस यानी a1 प्लस ए क्या है, और ये दोनों है तो क्या जाएगा यहां से a1 प्लस a2 इक्वल टू a प्लस b. सम ऑफ द A1 plus A2 is equal to A plus B. We have answer. We have A1 plus A2 is equal to A plus B. Similarly, H1 H2 is equal to 1 upon H1 plus 1 upon H2 is equal to इस तरह इस तरह का, यानी इन दोनों का सम जो है इन दोनों के कॉमन इसके इक्वल के बराबर है. A1 A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से एलसीएम ले लिया H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 इज इक्वल टू AB A प्लस B अपॉन AB. यू आर गई. और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a1 a2 इसकी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a क्या जाएगी a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 वहां लिख के देनी है. ab की वैल्यू कितनी आ गई, g1 g2 a1 a2 a1 प्लस a2 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी, और ab की वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगी g1 g2. तो यहां से लिख सकते हैं g1 g2 इज इक्वल टू, यहां लिखता सीधा वहां से आ गई. अब गिवन है, क्या गिवन है, अब यहां से क्या आएगा g1 g2 अपॉन h1 h2 क्या आएगा, g1 g2 क्या आ गया, g1 g2 अपॉन h1 h2 इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन
एच वन प्लस एच टू ये आ गया, जी वन जी टू इक्वल टू वन अपॉन एच वन अपॉन एच प्लस ए सी। एच वन, एच वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, एच वन ए प्लस डी ए एच वन क्या है, ए रेक्ट है वन अपॉन ए क्या जाएगा वन अपॉन ए, ये डी डी की वैल्यू क्या आएगी बी माइनस ए क्या आएगी क्या आएगी बी माइनस ए वन अपॉन अपॉन एन प्लस वन, यानी टू वैल्यू होगी तो एन प्लस वन एन प्लस टू प्लस वन इक्वल टू थ्री क्या आएगा वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए b इक्वल टू डी इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन और एच वन इक्वल टू ए प्लस डी, डी की वैल्यू रख दूंगा ठीक है। सिमिलरली एच टू इक्वल टू क्या आ गया ये थ्री ए बी इनका एलसीएम ले लिया सारे का b प्लस थ्री बी प्लस ए माइनस बी तो क्या आ गया टू ए प्लस टू बी ए प्लस टू बी अपॉन थ्री ए बी, ये एच वन आ गया, एच वन इक्वल टू कितना आ गया एच वन इक्वल टू थ्री ए बी अपॉन टू बी प्लस ए। सिमिलरली वी हैव एस टू इक्वल टू ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, डी की वैल्यू ये है ही, ए की वैल्यू क्या जाएगी वन अपॉन ए प्लस टू, डी की वैल्यू क्या जाएगी वन बाई थ्री वन अपॉन बी माइनस ए, ये आ जाएगी एस टू, एस टू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, कितनी आ गई एस टू की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वन अपॉन एच टू, एच टू सीधे निकाल लेंगे यहां से, एच टू इक्वल टू, एच टू इक्वल टू क्या आ जाएगी थ्री ए बी इक्वल टू थ्री ए बी अपॉन टू ए प्लस बी, एच वन की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस टू बी, एच टू की वैल्यू कितनी आ गई एच वन की वैल्यू थ्री ए बी अपॉन ए प्लस टू बी, एच टू की वैल्यू क्या आ गई थ्री ए बी अपॉन टू ए प्लस बी आ गई ठीक है भाई। इसमें जो है इंसर्ट कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा ए वन प्लस ए टू अपॉन एच वन प्लस एच टू अपॉन एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू इसमें इंसर्ट कर दूंगा, ए वन की वैल्यू कितनी है ए वन प्लस ए टू की वैल्यू रही ए प्लस बी, कहां ए वन प्लस ए टू की वैल्यू कहां रखी है ये रही, और एच वन की वैल्यू ये रही है और एच टू की वैल्यू ये रही है, ए वन ए टू क्या लगा ए प्लस बी अपॉन थ्री ए बी अपॉन ए प्लस टू बी प्लस थ्री ए बी अपॉन टू ए प्लस बी, ये आगे भैया आगे बढ़ते हैं बात,
ए प्लस बी इक्वल टू नीचे से फिर ए बी कॉमन ले लिया, वन अपॉन ए प्लस टू बी प्लस वन अपॉन टू ए प्लस बी, ये आ गया ए प्लस बी अपॉन थ्री ए बी इक्वल टू ए प्लस टू बी वन अपॉन टू बी। इनके एलसीएम ले लेंगे, इनके एलसीएम में क्या आ गया इसका बताओ, क्या सोल्व करो इसकी क्या आ जाएगा, ए बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस टू बी टू ए प्लस बी अपॉन नाइन ए बी, इस ए प्लस बी यहां से थ्री आएगा, थ्री ए प्लस थ्री बी आएगा, थ्री थ्री कट जाएगा, ए प्लस थ्री आएगा, ये आएगा थ्री ए नाइन ए बी अपॉन ए प्लस टू बी टू ए प्लस बी, ये इसका नाइन आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब है रिलेशन बिटवीन, क्या है रिलेशन बिटवीन ए एम, रिलेशन बिटवीन ए एम ए ए एम जी एम एंड एच एम, ए एम जी एम एंड एच एम के बीच रिलेशन निकालनी है तो क्या निशान होती है, मान लिया ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन्स इन ए लेट बिटवीन ए एंड बी आर टू रियल नंबर है, बिटवीन ए एंड बी आर दो पॉजिटिव नंबर हैं, इफ ए इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से अर्थमेटिक मीन ए मीन्स ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन्स जी जी इक्वल टू क्या जाएगा ए बी, जी इक्वल टू क्या जाएगा ये ए बी रूट ए बी बोलिए, एंड एच हार्मोनिक मीन्स एच एच मीन्स इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, वी नो दैट इज क्लियर, देन इससे क्लियर क्या होता है रिजल्ट याद में, ए इज ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, ए अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इफ अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन्स, एंड इफ ए इक्वल टू जी इक्वल टू एच देन ए इक्वल टू बी, दो इफ इफ वी हैव इट मीन वी हैव टू रियल नंबर ए एंड बी, इफ दे आर इक्वल देन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल, अदरवाइज अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन विल टू ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, एंड इफ देर आर टू 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 पॉजिटिव नंबर आर इक्वल देन ए इक्वल टू इन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन।
क्या है ये? नेक्स्ट है इफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियो मैट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल बी रिसीव्ड विल बी गेट बाय एक ज्योमेट्रिक सीरीज विल बी मल्टीप्लाई बाय द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट विद द अर्थमेटिक सीरीज, एक कोई अर्थमेटिक सीरीज है एक ज्योमेट्रिक उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं वी गेट टू द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इट मीन वी हैव If a into a plus b, a plus 2d, a plus 3d and a up to a plus n minus 1d are in AP में है and geometric series क्या है इसकी, a r का square, ए आर का क्यू अब टू ए आर की पावर एन माइनस वन आर इन जीपी, देन अर्थमेटिक जो देन देयर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स विल बी ए जीपी मीन्स विल बी देन देयर ए जीपी मीन्स विल बी क्या जाएगा, ये ए डैश है ए डैश A plus B, A dash R, A plus 2D, A dash एंड फोन दिस विल बी सीरीज टू द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज एंड देयर सम इज फॉर्मूले को रख लेना एस एन इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर वन माइनस आर की पावर एन माइनस एन अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर वेयर आर इज नॉट इक्वल टू वन वेयर आर इज इक्वल टू वन और द सम ऑफ एंड सम ऑफ अर्थमेटिक मीनिंग जनरली वी डो नॉट यूज दिस फॉर्मूला बाई द सम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी जनरली यूज द लॉगरिथमिक फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटेड प्रॉब्लम इट इज ओनली बेस्ड नॉलेज दैट द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जी ए अपॉन माइनस आर प्लस डी आर वन माइनस आर की पावर वन माइनस आर जब भी हम ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या करते ही नहीं तो हम जो है लॉगरिथमिक से निकाल देते हैं इसका सम ठीक है ये एक जनरल फॉर्मूला है ठीक है
अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ ए जी पी, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ ए अर्थमेटिक क्या जाएगा, सम ऑफ इनफिनिटी इक्वल टू ए प्लस वन माइनस आर प्लस बी आर वन माइनस आर का होल, वन माइनस आर का होल स्क्वायर, वन माइनस आर का होल स्क्वायर ही a upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r का square, when n tends to infinity, when n tends to infinity n r की power n tends to 0, जो लिमिट दी, जो भी क्वेश्चन दिया था उसमें इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो इसकी इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या आएगा, dr a upon 1 minus r dr upon 1 minus r का square, हम ये जो है फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, आज आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।